हमारा नया चैप्टर है लाइफ। हाँ सर आप वापस से रिपीट कर सकते, मैं नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या रिपीट करें, यही कैमरा ऑन कर ले पापा से, ये रिपीट करें। ठीक है, सर लाइट आपने क्या होता कुछ है, सर लाइट आपने कुछ और नहीं सिखाया। नहीं पता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। आ गई बात समझ में, मतलब हमें सेंस करने के लिए विजन देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। आ गई बात समझ में। अच्छा, लाइट जो है, कोई भी चीज हमें कब क्यों दिखती है, जब भी कोई लाइट रे हमारी आंखों में आती है, ठीक है, कोई भी रेज कहाँ से आती है, हमारी आंखों में आती है, रिफ्लेक्शन होता तभी वो चीज हमें दिखती है। अच्छा, लाइट को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते सर, नहीं देख देख सकते भी सर, नहीं सर, नहीं देख लाइट कैसा है, इनविजिबल रिफ्लेक्शन को फॉर्म ऑफ देखो। एनर्जी। कैसा फॉर्म है, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लाइट को नहीं देख सकते, वी कैन सी ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि लाइट की थोड़ी सी बात करें, तो लाइट जो आती है वो हमारे फॉर्म किस फॉर्म में आती है, वेव की फॉर्म में आती है। ठीक है, अच्छा हमारा सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है, मेन मेन सोर्स ऑफ लाइट, सनलाइट। सन से क्या आती है, रेज आती है ना, और रेज आती है किस फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। किस फॉर्म में आती है, वेव की फॉर्म में। वेव, ये वेव कैसी होगी, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉन मैकेनिकल। ये कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का शेप कैसा होता है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स वेव में क्या बनते हैं, बनते हैं। ठीक है, अब जो वेव आती है, तो जो हमारे जो हम जो देख पाते हैं, भगवान ने हमारे आंखों में जो सिस्टम लगाया हुआ है देखने का, वो दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक का। कहाँ तक का सिस्टम दिया है, 4000 एंगस्ट्रॉम। बताऊंगा बताऊंगा, सुनो सुनो, रुको 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 यार, सब बताएंगे इसको बेटा, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ पता है क्या होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस होता है, सर। ठीक है, डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम होता है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ये होता है 10^-10 मीटर को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो विजिबल रेंज होती है। अच्छा एक काम करो, नैनोमीटर समझते हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 400 नैनोमीटर से लेके कहाँ था, 800 नैनोमीटर तक रेंज होती है। आ गई बात समझ में। अच्छा ये जो रेंज है, ये क्या होती है, थोड़ी बहुत अलग अलग बुक्स में थोड़ी वेरी करती है। कुछ बुक्स में इसको क्या लिखते हैं, ये भी लिखते हैं 3800, कितना लिखते हैं, 3800, है ना, ये 380 मीटर से लेके नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर। आ गई बात सुन में, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप 4000 to 8000 ले लो। ठीक है सर, ये एंगस्ट्रॉम ये मतलब एक बार आप ये है ना, लेंथ की यूनिट है ना, क्या डिस्टेंस की यूनिट है ये, एंगस्ट्रॉम। देखो ये, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10^-10 मीटर। क्लियर है, यस सर। इसी के बीच में, इसी के बीच में हमारे 7 कलर्स होते हैं, कौन कौन से, विद्योर। विद्योर। मतलब हम ये बोल सकते हैं 4000 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, वॉयलेट, और 8000 के मिलता है रेड। मतलब धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ता है तो उसका कलर क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है, चेंज होता जाता है। हाँ, अब ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल 4000 से जैसे 5000 वो अचानक चेंज हो गया, नहीं, धीरे धीरे क्या होगा, वॉयलेट नेचर कम होगा, इंडिगो नेचर बढ़ेगा, फिर इंडिगो नेचर कम होगा, ब्लू नेचर बढ़ेगा, ब्लू नेचर कम होगा, ग्रीन नेचर बढ़ेगा, ग्रीन नेचर कम होगा, येलो नेचर बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा सडनली ग्रीन का और सडनली येलो आ जाएगा। ठीक है,
ऐसा नहीं होगा। कलर चूज करने में हाँ धीरे धीरे कस्टम होता है ना कलर, धीरे धीरे एक की कम होती है दूसरे की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ कौन से कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वॉयलेट का या रेड का? रेड रेड का होता है, लैम्डार। हाँ ठीक है ये याद रखना। अच्छा बताओ कि सभी कलर वेवलेंथ रेड का ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि सभी कलर की स्पीड कितनी होती है लाइट की? 30 लाख मीटर पर सेकंड। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ अच्छा वेव स्पीड इक्वल्स टू एन लैम्डा सुना है सर आपने? सी को किससे रिप्रेजेंट करा है? स्पीड ऑफ लाइट। ओके सर ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट सर वैक्यूम में है ये। हाँ अच्छा अब मुझे बताओ कि यदि कोई भी वेव है उसकी वेलोसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होगी कि नहीं होगी? यदि वेलोसिटी सेम है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी सर? कम होगी है ना, कम होगी। अब मुझे बताओ रेड की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या वॉयलेट की? सर वॉयलेट की। सर वॉयलेट की होगी ज्यादा। हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड। रेड आ गई बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब मुझे कुछ और चीजें बताना इससे। सर आपने कैसे बताया? बेटा देखो सर आपने इधर ये फॉर्मूला क्यों लिखा v = n लैम्डा? बेटा स्पीड सभी कलर की सेम है। यस। तो किसी की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है। यस सर। आप 100 रुपए अब 100 रुपए लेके आप बाजार में गए, केले का रेट कम है तो केले नंबर ऑफ ज्यादा मिलेंगे। सेम है यदि आप एप्पल खरीदोगे, रेट ज्यादा है तो नंबर ऑफ एप्पल कम मिलेंगे। होता है कि नहीं होता ऐसा? होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसा कब होगा? जब रुपए तो सेम है, आप 100 रुपए लेके गए, फिर आप सस्ता फ्रूट लोगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। महंगा फ्रूट लोगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, मतलब एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज कम होगी। यस सर। हाँ तो अब वही चीज बेटा वेवलेंथ में भी कर लो। सर इनको आप क्या डिनोट किया है? इसको क्या डिनोट किया है सर? एन फ्रीक्वेंसी। वेव चैप्टर क्यों पढ़ाया था? वेव चैप्टर पढ़े थे ना? हाँ तो उसको क्यों भूल गए? वहां पे एन नहीं लिखा था? वी इक्वल टू एन लैम्डा। यस सर एक लंबा से नहीं। हाँ तो फिर हाँ बोलो बेटा। हाँ सर आप एक बार बताइए सर वेवलेंथ रेड की कैसे ज्यादा है? बेटा वेवलेंथ इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो फिक्स है ना, ये जो विजिबल रेंज होती है वो 4000 से लेके 8000 तक ही होती है। 4000 पे वॉयलेट होता है, 8 पे रेड। अच्छा मुझे बताओ ए को आपने प्रोनाउंस क्यों किया था? जो ए मुझे वैल्यू एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। ठीक है सर आप स्पेलिंग लिख दीजिए। ठीक है यहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख इसको एरो कर दो, कहीं पे भी लिख दो सर कहीं। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना। यस सर यही है एंगस्ट्रॉम। अब देखो बेटा इससे यदि ज्यादा वेवलेंथ होती है, इससे ज्यादा वेवलेंथ होती है या इससे कम वेवलेंथ होती है, तो उसका फंक्शन हमारी आई में नहीं है। उसका फंक्शन हमारी आई में देखने के लिए नहीं है, ठीक है, हम लोग नहीं देख पाते। अच्छा बताओ एक्सरे को देख पाते हो? नो सर। नहीं। क्या हीट रेडिएशन को देख पाते हो? नो सर। नहीं पाते है ना।
अच्छा गामा रेस को देख पाते हो, मोबाइल के सिग्नल देख पाते हो? नो सर। या फिर देखो, अरे पापा सिग्नल आया सिग्नल आया सिग्नल आया और फोन बजने लग गया, ऐसा होता है क्या कभी? नो सर। नो सर। कि ये सब क्या है? सर एक्सरे में सर मोबाइल के सिग्नल्स और ये एक्सरे वगैरह की ये ज्यादा होते हैं कम होते हैं सर? इधर एक्सरे होती है, इधर रेडियो, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसकी मीटर्स में होती है, जो रेडियो वेव बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं हम? रेडियो वेव। रेडियो वेव। और एक्सरे वगैरह की कम होती है ना, तभी सर उसको लाइट में लगा के दिखते हैं तब दिखता है। अबे वो सब वो फ्रेम होती है, एक्सरे नहीं होती। हाँ ओके सर। ठीक है, वो फ्रेम होती है वो एक्सरे का, उसको उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं उसको। इधर देखो बेटा, इससे यदि ज्यादा वेवलेंथ हो जाती है तो उन रेडिएशन को बोलते हैं हम इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। ठीक है, और यदि 4000 से कम होती है तो उसको बोलते हैं वॉयलेट। आ गई बात समझ में? सर यहाँ पर उल्टा है। कहाँ पे उल्टा है? सर अल्ट्रासोनिक साउंड साउंड में ज्यादा होता है और यहाँ पर अल्ट्रा वॉयलेट उल्टा है। नहीं नहीं हाँ ठीक है ओके सर। नहीं बेटा सही है। ठीक है, उसका रीजन मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? Yes, sir. अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, अपन पेज चेंज कर लेते हैं ना, पेज चेंज कर लेते हैं। तो अभी हमारा था क्या था? अल्ट्रा। सर आपने इंफ्रारेड लिखा था ना लास्ट स्लाइड में? हाँ ठीक है, और ये होती है विजिबल रेंज। अभी विजिबल रेंज लिख तो रहा हूँ, लिख तो रहा हूँ मेरे। ठीक है, इंफ्रारेड यहाँ पे वेवलेंथ कितनी दी हुई थी? 4000 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर। या एंगस्ट्रॉम में लेना हो तो एंगस्ट्रॉम में भी ले सकते हो। 4000 तो जो विजिबल रेंज होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? विबग्योर से। इससे डिनोट करते हैं विबग्योर। हाँ बोलो सर। एंगस्ट्रॉम सर किसकी यूनिट है वो बता दीजिए? डिस्टेंस की यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10^-10 मीटर। सर वेवलेंथ के लिए खाओगे? सेंटीमीटर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस। डिस्टेंस फिक्स फिक्स है क्या? को उससे आप अपने पेन की डिस्टेंस मेजर करोगे? नहीं नहीं किसी की भी कर सकते हैं। नहीं कसम खा लिया कि नहीं वो उसको है ना, भगवान ने बोला है कि नहीं इसको हम इसी से पेंसिल की लेंथ पेन की करोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? तो डिस्टेंस no, अब डिस्टेंस की यूनिट है, अब चाहे कुछ भी मेजर करो यार डिस्टेंस। नैनोमीटर से भी डिस्टेंस मेजर हो जाएगी? हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। डिस्टेंस की यूनिट है वो। ठीक है, अब आपकी क्या पेंसिल की लेंथ आप किलोमीटर में निकाल सकते हो? पेंसिल yes, निकाल sir. सकते हो, लेकिन वो वैल्यू yes, क्या होगी? बहुत छोटी मिलेगी, छोटी होगी। बाकी आप उसको ये तो नहीं बोल सकते हो कि हम नहीं मेजर कर सकते, नहीं बोल सकते ना? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते सर। नहीं बोल सकते हो है ना। अब आप मान लो कुछ शकर खरीदने गए तो उसको आधा किलो ये बोलो या 500 ग्राम बोलो, ऐसा है क्या कि आपने किलो में बोल दिया तो वो मना कर देगा? नहीं देंगे हम, ग्राम में लेके आओ, पापा से पूछ के आओ, ऐसा कुछ बोलता है क्या? नहीं ना। तो यूनिट कुछ भी हो सकती है बेटा, कुछ भी यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। अच्छा वेवलेंथ किसका ज्यादा बताया था हमने? रेड का। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा बताई थी? वायलेट। अच्छा अब मुझे बताओ, ये होता है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड ये भी हम एक तरीके से लाइट रेडिएशन से, लेकिन ये विजिबल नहीं होते क्योंकि इनको देखने का जो सिस्टम है वो हमारी आई में भगवान ने नहीं डाला है। आ गई बात समझ में? ये वाला सॉफ्टवेयर हमारे अंदर नहीं है। किसी चीज से देख पाए तो अपन कर पाएंगे? हाँ किसी चीज से आप देख सकते हो हीट रेडिएशन। ठीक है, किसी चीज से कुछ एनिमल से आप वही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, कुछ कुछ एनिमल देखते हैं ना। अब जैसे इंफ्रासाउंड अल्ट्रासाउंड कुछ कुछ एनिमल्स के नाम भी शायद बताए थे मैंने, कुछ कुछ देख सकते हैं। हाँ है ना, वैसे ही ये भी होता है सर। जैसे जैसे स्नेक्स वगैरह रहते हैं उनको अपनी हीटिंग दिखती है सर,
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों उनकी उनके इसमें विजिबल रेंज नहीं है, भगवान ने उनके लिए इसमें अपडेटेड सॉफ्टवेयर डाला है, ये वाला सॉफ्टवेयर डाला है, आ गई बात उनमें, स्नेक में ये वाला सॉफ्टवेयर डाला है, क्लियर है, अपडेटेड सॉफ्टवेयर, हाँ उसमें दूसरा सॉफ्टवेयर चेंज है ना, हमारे इसमें अलग डाला हुआ है। अब देखो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होते हैं ये भी सन से हमें मिलते हैं, अच्छा वो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होगी कम होगी, तो वेवलेंथ क्या होगी, लेस होगी, यस सर, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, लेस देन फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अच्छा वेवलेंथ कम हो गई तो मतलब बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मोर देन विजिबल, आई बात समझ में, सब लोग देख रहे हो कैमरे ऑन है सबके, फिर से रिपीट कर दीजिए बेटा, 4000 से वेवलेंथ कम है अल्ट्रा वायलेट की तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अच्छा इसकी क्या है वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ मोर देन विजिबल, मोर देन 8000 एंगस्ट्रॉम एंड मोर देन विजिबल रेंज है ना, तो हम बोल सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, लेस देन विजिबल, लेस देन विजिबल, लेस देन विजिबल, आई बात समझ में, यस सर, अब जो इंफ्रा अल्ट्रा वाला हो गया बेटा वो फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखते हैं, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसको अल्ट्रा बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वो हम बोलते थे इंफ्रा, आ गई बात समझ में, यस सर, किसका डाउट था, है ना, हाँ इसे रिलेट किया करो, है ना, अच्छी बात है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब पार्टिकल बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी कर रहा है, यस सर, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है मतलब हाई एनर्जी इसके पास, इनके पास क्या होती है हाई एनर्जी होती है, अब ये हाई एनर्जी होती है तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, कैसे होते हैं, हार्मफुल, हार्मफुल, ये भी सन से आते हैं लेकिन 99 point something मतलब पूरे के पूरे एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर, ठीक है, मतलब सर बहुत थोड़ा ही ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है, ओजोन लेयर, ठीक है, नहीं लगभग पूरा ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ओके सर, हाँ सर बहुत कम आता होगा, बहुत कम आता है बच्चों, बेसिकली मत ये मानते हैं कि नहीं आता है, लेकिन ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डैमेज होती जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे अर्थ की ऑक्सीजन कम हो रही है ना, ऑक्सीजन कम हो रही है तो धीरे धीरे अर्थ पर इन रेडिएशन का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन इतना नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल हाँ में से इतना नहीं पर बढ़ रहा है धीरे धीरे परसेंटेज में देखा जाए, अब ये जो एनर्जी होते हैं तो ये हार्मफुल होती है, तो ये एनर्जी क्या करते हैं, जो जो रेडिएशन से ये स्मॉल सेल्स को किल करते हैं, किसको किल करते हैं, स्मॉल सेल्स, तो हमारी स्किन वगैरह पे जैसे आ गए, तो स्किन वगैरह पे आ गए तो हमारी जो सेल्स डैमेज हो गई, सेल्स डैमेज हो गई तो हमारी स्किन की फूड और वाटर सप्लाई कम हो गई, तो हमारी स्किन कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, आई बात समझ, तो हमारी स्किन कैंसर भी होता है ना बेटा, स्किन कैंसर बहुत लास्ट की स्टेज है, समझ रहे हो, स्किन कैंसर होता है लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब है ना हद से ज्यादा बढ़ जाए तब स्किन कैंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है सर, इससे बर्न हो जाता है तो मतलब सेल्स डैमेज हो जाती है, ठीक है, ड्राई हो जाती है स्किन, स्किन में फूड और वाटर, जो स्किन में जो सेल होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा तो आपने देखा होगा कभी आप सन क्रीम लगाते हो तो उसमें लिखा होगा अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड, यूवी रेस प्रोटेक्टेड, देखा है, यस सर, कभी देखा होगा कि एड में एक बढ़िया सी हीरोइन का हाथ होगा ऐसे और जो रेस को वो अल्ट्रा वायलेट रेस के से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा उसका हाथ, है ना, देखा है कभी ऐसा, देखना टीवी में आएगा, यस सर देखा है सर, कि कोई हीरोइन का हाथ होगा वो क्या करेगा कि रेज आएगी वो दूसरी साइड में रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो सन क्रीम होता है वो भी क्या होना चाहिए, हमें अल्ट्रा वायलेट राइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना, यस सर, तो आपको देखना हम जो भी सन क्रीम का एडवर्टाइज देखना उसमें लिखा होता है अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड, आ गई बात समझ में, अच्छा ये तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करता, पूरी तो नहीं करता, पूरा तो कौन करता है, ठीक है, एड तो ऐसा भी आता है कि आप ये ठीक है जितना नहीं इतना भी नहीं करता, ठीक है, लेकिन ठीक है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत हार्म हो भी जाता है हमारे स्किन को, तो हमारे भगवान ने हमें इतना कमजोर नहीं बनाया है, अदरवाइज तो क्या जाएगी, हाँ अदरवाइज क्या होगा, जैसे धूप में गए आप पूरे सूख के आ गए, पूरी स्किन ड्राई हो गई, ठीक है, इतना नहीं है अभी,
अब ये जो है ये सर, अच्छा इसके यूज भी करते हैं। अब इसके यूज क्या है, यूज क्या है, ये क्या करते हैं, स्मॉल सेल्स को किल कर देते हैं, ठीक है। यस सर। अरे किसके यूजेस बता रहे हैं सर? अल्ट्रा वायलेट लाइट के, सबके घर में यूज होता है ये सर। क्या क्या बताइए? अल्ट्रा वायलेट लाइट सब लोग यूज करते हो, बताओ कहाँ करते हो सर? पता नहीं सर। ठीक है, सबके घर, सबके घर में है। आर ओ एंड यूवी नहीं है सबके घर में? देखना सबके घर पे वाटर प्यूरिफायर पे लिखा होगा आर ओ एंड यूवी। तो ये क्या करता है, फूड और वाटर प्यूरिफिकेशन में काम करते हैं। यूज क्या है इसका? फूड एंड वाटर प्यूरिफिकेशन मतलब जो छोटी छोटी सेल्स होंगे वाटर में, वो मार देगा। बिल्कुल हाँ। तो ये क्या होता है आपके जैसे उसी की तरह वर्क करता है, जैसे जो फ्रूट्स के लिए वो क्लीनिंग का आता है। हाँ, जैसे एक चेंबर होता है, एक सिलेंडर होता है, इसमें क्या होता है अल्ट्रा वायलेट के बल्ब लगे होते हैं। क्या होते हैं? अल्ट्रा वायलेट बल्ब लगे होते हैं। जब भी इसमें पानी जाता है तो वो क्या कर देते हैं, उसके सेल को क्या कर देते हैं, जो जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको क्या कर देते हैं, ये किल कर देते हैं। लेकिन उनकी डेड बॉडीज उस पानी में होती है, और आरओ क्या करता है, उन डेड बॉडीज को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। आ गई बात समझ में? यस। ठीक है, अब जो आरओ आरओ का पानी पीते हैं तो आरओ में क्या होता है, वो इतनी पतली छलनी होती है कि उससे मिनरल भी पास नहीं होते, उससे क्या होते हैं, मिनरल भी पास नहीं होते। तो इसीलिए जो आपका पानी की बॉटल होती है उसमें लिखा होता है एडेड मिनरल्स, ठीक है, इसीलिए मिनरल वाटर लिखा होता है, ठीक है, या एडेड मिनरल लिखा होगा। ठीक है, आरओ के एक्ट पे तो पूरा बोलते हैं मिनरल वाटर। हाँ ठीक है सर, तभी मिनरल वाटर। सर एक चीज नहीं समझ रहा है सर। हाँ बोलो सर, जो आपने लैम्डा क्या बोलते हैं मोर देन विजिबल और क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी लेस देन विजिबल रेंज, सर इसमें मतलब इसका क्या कॉन्सेप्ट था सर, ये क्लियर नहीं होता। अरे बेटा स्पीड सेम है, वेव की स्पीड सेम है, तो जिस रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वी इज इक्वल टू एन लैम्डा है। अब मान लो एक चीज बढ़ाओगे, आपको ये चीज कॉन्स्टेंट रखना है, तो ऑब्वियसली वेवलेंथ तो कम होगी ना उसकी। ओके ठीक है, अब वही तो मैंने बताया था आपके पास पैसे सेम है। यदि आप सस्ते फ्रूट लाओगे तो उनकी क्वांटिटी ज्यादा मिल जाएगी, क्वांटिटी ज्यादा लाओगे तो फ्रूट सस्ते होंगे। आप सोचो महंगे फ्रूट भी ले लें, क्वांटिटी भी ले लें ज्यादा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है हाँ बोलो। आपने बताया जो यूवी रेज़ रहती है सर, तो जैसे जो फ्रूट्स के लिए आते हैं उसमें तो बता दे ओजोन छोड़ता है, तो उससे कैसे प्यूरिफाई होगा? वो वाला प्यूरिफिकेशन नहीं पता है, उसमें भी यूवी रेज ही यूज होती है। ठीक है, उसमें भी यूवी रेज ही होती है। सैनिटाइजर्स भी आते हैं इस बार, मतलब यूवी रेज एक सैनिटाइजेशन, पता नहीं बेटा वो तो मुझे। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, आप कभी आप देखा होगा, आप में बहुत सारे लोगों के पापा डॉक्टर होंगे, है ना? Yes, अच्छा sir. जो उनके सर्जरी के जो डिवाइसेस होते हैं, है ना, कटर वगैरह, वो हेयर सैलून जैसा वो क्या जेब में रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं, है ना, पॉकेट में लेके घुमा एक सीजर, झट से ऑपरेशन कर दिया। कहाँ रखते हैं? एक अलग सा एक फ्रिज जैसा होता है चेंबर। Yes, sir, जिसमें कोई बैक्टीरिया वैक्टीरिया नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, तो वो रेस क्या करती है, उन सब पे जर्म्स वगैरह को नहीं आने देती, छोटी छोटी सेल्स को मार देती है, इन्फेक्शन नहीं जाएगा बॉडी में, इससे इन्फेक्शन नहीं जाएगा। आ गई बस में? तो वो क्या फ्रिज में रखते हैं क्या अपनी सीजर को? नो सर, नहीं सर, एक अलग सा एक ऐसा बॉक्स टाइप का होता है ना। आ गई बस में? उसमें क्यों, हाँ छोटा सा ही रहता है। अब उनको खुद को थोड़ी देना जो बड़ा लेंगे, अपने सीजर वगैरह तो छोटे छोटे होते हैं वो, मतलब 24 आवर्स चलता रहता है जब तक वो ऑफ। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इसका यूज भी समझ में आ गया। अच्छा, अब आते हैं इंफ्रारेड पे। तो सर हाँ बोलो। जो सर हम लोग ये फ्रिज टाइप का कंटेनर यूज करते हैं, हाँ कंटेनर, उसको अगर हमारा रख देंगे सर तो हमारी से मतलब नुकसान हो सकता है। किसको? वाटर को? नहीं सर, स्किन को। हाँ स्किन को रख दोगे तो ऑब्वियसली है ना खराब हो जाएगी वो सब सेल, है ना, अंदर की मिनरल्स को मार देंगे वो सर। निकालते कैसे हैं सर? क्या बेटा सर, निकालते कैसे हैं उसमें से ऐसे सर?
जो ऐसे सारे खोल के निकाल लेते हैं ना सर, सुनो अबे बेटा जब खोलेंगे तो आपको फ्रिज में लाइट हमेशा ऑन रहती है क्या? नो सर। देखो जैसे आप दबाते हो लाइट बंद हो जाती है। यस सर। तो उसमें ऐसा सिस्टम कर दिया बेटा जैसे ही खोलोगे अल्ट्रा वायलेट लाइट बंद हो जाएगी। कोई सेंसर नाम की चीज होती है ना। ओके सर। हाँ थोड़ा सोचो यार। अब देखो इधर इंफ्रारेड रेडिएशन कैसे होते हैं, जो भी हीटिंग इफेक्ट होता लाइट में, किसमें? लाइट में हीटिंग, लाइटिंग हीट इफेक्ट, वो किसकी वजह से होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से होता है। आ गई बात समझ में? अच्छा ये अब जैसे आपको देखो, आपको आयरन के पास बैठते हो तो आपको गर्मी फील होती है? यस सर। यस सर। तो आपको वहां से कुछ रेज आती हुई दिखाई देती है क्या? नो सर। नहीं देखती। नो सर। क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन विजिबल नहीं होते हैं, इसलिए वो नहीं दिखते हैं ना। कभी ऐसा देखा होगा आग के पास बैठते हो ठंडियों में तो आपको अच्छा हीटिंग फील होती, मजा आता है? यस सर। वहां से कुछ रेज आती हुई दिखती है क्या आपको? नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि वो कौन से रेडिएशन होते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं। ठीक है सर। आग इंफ्रारेड होते हैं ये कैसे पता है सर? आग नहीं, वहां से जो रेडिएशन होते हैं वो इंफ्रारेड होते हैं। ठीक है सर। ये 100 नैनोमीटर से ज्यादा वाली इंफ्रारेड बोलते हैं, इंफ्रारे बोलते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके सर। सर वो मतलब जो आग से रेडिएशन आते हैं सर, ये कैसे पता कि इंफ्रारेड है कि अल्ट्रावायलेट नहीं है? वो मेजरमेंट कर लेते हैं ना उस रेडिएशन का वेवलेंथ। ठीक है, उन सब रेडिएशन सर कर सकते। आपने बताया कि जो लाइट होती है वो विजिबल नहीं रहती है, लेकिन सर जैसे अगर आप एक डार्क रूम में बैठे उसमें अगर लाइट आए तो वो तो थोड़ा दिखता ही है। वी कैन सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमने बोला ना कि कोई भी चीज हमें कब दिखाई देती है? जब उससे टकराने वाली है आपकी रे आपकी आंखों में आए। ठीक है, तो हमने लाइट को नहीं देखा, हमने क्या देखा? रिफ्लेक्शन देखा, वो सेंस की हमारी आई ने। ठीक है, अब इधर देखो, आपको आपके घर की सामने वाली वॉल दिख रही है? यस सर। तो क्या उसके पीछे की चीज आपको दिखाई दे रही है? नो सर। अब आपके और दीवार के बीच में यदि लाइट आपको दिख रही होती तो आपको वॉल तो नहीं दिखना चाहिए ना, लेकिन वॉल दिख रही है मतलब आपके बीच में कुछ नहीं है ना यार, समझे? आपके दोनों के आप और वॉल के बीच में यदि आपको लाइट दिखती तो वॉल नहीं दिखना चाहिए, फिर लाइट ही दिखती ना फिर, लेकिन लाइट दिखती है क्या? नो सर। नो सर। ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो भी हीटिंग इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा? इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। क्लियर है? अच्छा अब देखो एक और चीज आप नोटिस करो, किसी ने अभी रिसेंटली वो खरीदा है स्क्रीन गार्ड? अच्छा सर, मोबाइल? हाँ मोबाइल वगैरह का। यस सर। यस सर। होगा क्या फिर उस, तो उस पे लिखा होगा वॉयलेट लाइट प्रोटेक्टेड? यस सर। क्यों? क्योंकि देखो ज्यादा हार्म कौन सी होगी, रेड वाली ज्यादा हार्म होगी या वॉयलेट वाली? वॉयलेट वाली। इसलिए जो स्क्रीन गार्ड होते हैं अच्छी क्वालिटी के उसपे लिखा होता है वॉयलेट लाइट प्रोटेक्टेड। आई बात सुने? क्यों? क्योंकि वॉयलेट लाइट हमारे आंखों में नहीं जाएंगे तो हमारी आई की लाइट मतलब अच्छी रहेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, कभी आप लेंस कार्ड के उसमें गए हो शोरूम में? यस सर। मॉल में जाना? यस सर। वॉयलेट लाइट वाले आजकल क्या है? स्पेक्स आए। यदि वो इधर तो वॉयलेट लाइट, सुनो, यदि वॉयलेट लाइट का आप लेजर डालोगे तो इधर होगा बहुत लाइट दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? बहुत लाइट दिखाई तो देगा आपको, जैसे मान लो ऐसा वो दिखाते हैं कि देखो ये हमारे पास हाँ स्पेशल लेंस आया है, हाँ ब्लू कट लेंस। चेक कैसे करते हैं उसे भी? तो वो क्या करते हैं बेटा, ऐसी लाइट डालते हैं, वॉयलेट वाली डाली। अच्छा वॉयलेट वाली डालते? हाँ, और वो ऐसी हो जाती है, ऐसी लाइट हो जाती है। आ गई बात समझ में? जब yes, इधर सर मैं गई थी उसमें एक डॉट टाइप की थी उसमें। हाँ बिल्कुल, लेजर लाइट होती मतलब है। अगर अल्ट्रा वायलेट अगर रेज आएगी तो उसको बहुत लो कर देगा, बिल्कुल उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए आप देखना कभी भी लैपटॉप वगैरह की स्क्रीन गार्ड देखोगे, इसलिए वो ब्लू लेंसेज लेके हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये लाइट का बेसिक इंट्रोडक्शन, ये क्या था लाइट का
सर तो आईआर सेंसर्स क्यों होते हैं? इंफ्रारेड सेंसर। यस सर, ये क्यों होते हैं? ये क्या होते हैं? मतलब कोई भी एक रेडिएशन हमने फिक्स कर दिया कि इस रेडिएशन को वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। हीटिंग इफेक्ट का कोई एग्जांपल यार अब बता है तो अभी ठंडियों में सब आंख के पास बैठोगे ना? अच्छा सॉरी सर, है ना, बैठोगे नहीं बैठोगे? इसके कोई यूजेस नहीं होते वेव वेलोसिटी सर, एक बार इंफ्रारेड की वो भी तो वही है ना? हां सर वही है, वही तो है। वेव वेलोसिटी सर एक बार बता दीजिए। वेव वेलोसिटी बेटा वेव चैप्टर में नहीं पढ़ा, वेव वेलोसिटी क्या होती है? नहीं सर, इसका लाइट से जो रिलेटेड है सर। लाइट भी तो वेव ही तो है, लाइट वेव है, लाइट वेव ही है, ठीक है। हाँ अच्छा, अब आते हैं हम, ठीक है, लाइट पे। सर आप बता रहे थे आईआर सेंसर क्या होते हैं? बेटा इंफ्रारेड सेंसर मतलब अलग अलग रेडिएशन को सेंस करने वाले, जैसे आपने देखा होगा कि मैं कैसे समझो इंफ्रारेड सेंसर मतलब उनमें ऐसा फिक्स होता है कि इस टाइप के रेडिएशन आएंगे तो उनमें कुछ चेंज वो बता एक्चुअली वो एरर टाइप है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा एक्सरे होता है, ठीक है, ये एक्सरे यहाँ पे क्या है, कुछ बोन्स है ना, क्या है, कुछ बोन्स है, ठीक है, ये मान लो कुछ बोन्स है हमारी बॉडी का। हमने इस पे बहुत तेज लाइट डाली, इसमें हमने क्या किया, बहुत तेज लाइट डाली, तो क्या होगा, तो हमें क्या होता है कि ये जो सेंस कुछ है पार्ट, हाँ कुछ पार्ट क्या होगा, तो देखो वो फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है ना, जो शीट होती है, वो क्या करती है, एक्सरे से खराब हो जाती है, वो क्या हो जाती है, एक्सरे से खराब हो जाती है। लेकिन जो जहाँ जिस जगह पे ये था, जिस जगह पे बोन्स थी, वो वाली जगह क्या हो जाती, खराब नहीं होती, तो वो क्या होती है, अलग अलग दिखती है। आ गई बात सुने? तो ये भी क्या एक्सरे सेंसर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. इस तरीके से इसको बोलते हैं सेंसर, ठीक है। खैर हमें कोई मतलब नहीं है सब चीजों से, है ना। अच्छा अब एक बार बताओ, लाइट हमें नहीं दिखती है नहीं? लाइट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, सन। सर सन। सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होते हैं, सोर्सेस विच गिव्स अस लाइट, ठीक है, क्या होते हैं, सर सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स देंगे ना सर लाइट, तो गिव्स अस लाइट, ठीक है। जहां से हमारे पास लाइट आती है उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। आ गई बात में? कुछ क्या करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, कुछ दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। आ गई बात में? तो जो प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस लाइट, ये लाइट को क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस लाइट, ठीक है। एक होता है नॉन ल्यूमिनस, वो क्या होते हैं, समझ ही गए होंगे, यस सर, बट डज नॉट प्रोड्यूस लाइट, रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट अनदर, अनदर आ गई बात समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर, यस सर। जो क्या करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करता है, एक दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा एग्जांपल की बात करो, इसके क्या क्या एग्जांपल हो गए ल्यूमिनस के, लाइट बल्ब, लाइट बल्ब, ट्यूब लाइट, टॉर्च, ठीक है, समझ गए? यस सर। सारे होते हैं। अब देखो नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जहां से लाइट आती है जो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो लाइट तो हर जगह से आती है हमारे पास, ठीक है, टेबल, yes. टेबल, मिरर, चेयर, मिरर, मिरर, वॉल, चेयर, बॉटल, सर सेकंड आपने मून लिखा है ना, मून, मून, मून है ना, प्लैनेट्स है ना,
सर मून भी सर तभी जीतता है ना जब सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होती है। सर पूछ रहा है बता रहा है? नहीं सर पूछ ही रहा था। नहीं पता था तुझे? सर ऐसे छोटा कंफर्म कर रहा था। ठीक है आगे ही बात सुन में। सेकेंड क्लासिफिकेशन में बेटा नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, वो तो बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं? जो हमें गॉड गिफ्टेड है ना, और आर्टिफिशियल क्या है? जो हमने बनाए। तो नेचुरल कौन कौन से हो गए? सन, स्टार्स, स्टार्स, कैंडल्स, कैंडल्स नहीं, प्लैनेट्स है ना, और जो भी कैंडल हो गए, टेबल, चेयर, पर फायर, फायर भी तो आर्टिफिशियल है ना, उसको हम प्रोड्यूस करते हैं ना फायर, तो ओके ओके बर्न करते हैं हम लोग। ठीक है सर, कभी तो बात फ्रिक्शन की वजह से भी तो हो जाती है। फ्रिक्शन कौन कर रहा है? अपन ही तो कर रहे हैं, अपन ही तो कर रहे हैं। ठीक है नेचुरल फॉरेस्ट फायर भी तो मेन आईडी है सर, वो अपने आप ही तो होता है, ट्रीज से हम करते भी नहीं है। ठीक है वो कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। ठीक है ओके। देखो सोर्स ऑफ लाइट जिसको आप सोर्स की तरह यूज करते हो, जैसे आपका वो होता था फायर फ्लाई, अब फायर फ्लाई को भी सोर्स ऑफ नहीं बोलते क्योंकि कभी हम उसको एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज कर सकते हैं क्या? नो सर। घर घर के ला के रख दिया तो वो कंटिन्यूअसली घर के बाहर लाइट दे रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता ना, तो वो सोर्स नहीं है। कभी फॉरेस्ट फायर को हम कभी देखा सोर्स ऑफ लाइट की तरह यूज कर रहे हैं? लाइट प्रोड्यूस करना, लगा दो आग, ऐसा होता है क्या? नहीं करते ना, वो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है वो। ठीक है वो एक एक्सीडेंट है ना, लाइट नहीं है, घर के सामानों को जला दो लाइट आ गई। हाँ बोलो बेटा। सर आपने ये ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट के एग्जांपल में ट्यूबलाइट के बाद क्या लिखा है? एलईडी बल्ब, मोबाइल टॉर्च, कुछ भी, मोबाइल की स्क्रीन है ना, वो भी लाइट को प्रोड्यूस कर रही है। सर लैम्प किस में आएगा? अब लैम्प कैसा होता है? वो प्रोड्यूस करता है, बस खुश। यस सर। तो सोर्स ऑफ लाइट समझ में आ गया? ठीक है यस सर। यस अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़े। ठीक है अब ऑब्जेक्ट्स आपके तीन टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ओपेक तीनों चीज पता है? अच्छा यस सर। अच्छा उसके पहले देखो, देखो कोई भी चीज, जैसे मान लो एक ये बॉडी है, ये क्या है? एक बॉडी। इस बॉडी पे हमने डाला व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट डालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? हमें पूरी स्क्रीन को ब्लैक बनाना पड़ेगा, है ना? आ गई बात सुनने? ठीक है यस सर। अब ये कोई भी एक बॉडी था, ठीक है, इस पर यदि ये इस पर यदि व्हाइट लाइट आई, क्या करेगा? पर यदि व्हाइट लाइट आई है ना, रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है रेड। रेड दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमारी आंखों में ओनली कौन सा रेडिएशन दे रहा है? ये रेड वाला दे रहा है। और इसने लिया क्या? ऑल व्हाइट, मतलब सेवन कलर्स लिए, लेकिन किया कौन सा? रिफ्लेक्ट रेड। बाकी कलर्स को इसने क्या किया? एब्जॉर्ब। कौन कौन से एब्जॉर्ब किए? वायलेट, इंडोर। आई बात समझ में? अब मान लो कोई बॉडी आपको ग्रीन दिख रही है, क्या कैसी दिख रही है? ग्रीन। का मतलब है कि वो व्हाइट लाइट यदि उस पे आती है, रिफ्लेक्ट कौन सा किया? ओनली किया। आ गई बस में? एब्जॉर्ब कौन कौन से किए? येलो, ऑरेंज, ऑरेंज एंड रेड, इंडिगो। जो रेड कलर के बल्ब आते हैं सर, उनकी भी जो लाइट रहती है वो सर सबसे तेज रहती है। सुनो सुनो, वो सब आगे पढ़ेंगे बेटा, है ना? अभी इतना हम उस बात पे डिस्कस नहीं करें तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि हम टॉपिक से हट जाएंगे उस बात पे आएंगे तो, है ना? तो वो आगे पढ़ेंगे हम, है ना? रिफ्रेक्शन में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? रिफ्रेक्शन। रिफ्रेक्शन येलो। हाँ ये येलो दिखेगा। देख आ गई बात समझ में? ऑब्जर्व किया। यस सर। अब देखो यदि कोई ऑब्जेक्ट कैसा है? ब्लैक है। अब यदि मान लो ये व्हाइट है, कैसा है?
वाइट 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 का मतलब क्या है, ये सभी कलर को क्या कर रहा है, सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं. व्हाइट लिया, व्हाइट ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा. और यदि आपका इसको थोड़ा सा अलग सा बना देते हैं, ठीक है, कहाँ गया यार कर्सर, ये रहा, मिल गया. अब मान लो ये वाला था हमारे पास ब्लैक, ये कहता था यस सर ब्लैक ब्लैक, तो ब्लैक क्या करेगा, सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा. ब्लैक क्या करता है, सभी को अब्सॉर्ब कर लेगा. और सभी को अब्सॉर्ब कर लिया तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है. आ गई बात समझ में, ब्लैक हो जाता है. सर तभी सर कहते हैं गर्मियों में ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहना करें, अब्सॉर्ब करता है वो लाइट, कभी नहीं सर अब्सॉर्ब करता है. जो व्हाइट लाइट आई, अब व्हाइट लाइट को मैं बना तो नहीं सकता हूँ क्योंकि व्हाइट में व्हाइट नहीं दिखेगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो अलग सा ले लेते हैं, मान लो है ना, इसमें हमने लग दिया ब्लैक, ब्लैक वाली सरफेस ले लिया, ठीक है, ब्लैक लिया. अब इस पे आएगी कौन सा, व्हाइट में सारे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं ना. हाँ व्हाइट में सारे आ गए, इसमें आया और इसने नो रिफ्लेक्शन, कोई कलर को रिफ्लेक्शन नहीं किया. अब कोई आपके पास रेज आई नहीं रही है तो आपको कैसा दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा, उसी को दिखाई नहीं देगा वो चीज, है ना. जैसे आप रात को देखते हो बिल्कुल अंधेरा है तो आपको कैसा दिखता है, कुछ नहीं दिखाई देता, yes, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक. यस सर, ब्लैक जो नहीं दिखता वही क्या है, ब्लैक है. ब्लैक अगली बार अब मुझे yes, बताओ. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो सर, मेरे को ये डाउट था, जैसे सर अभी ये कार्तिक ने बोला कि सर गर्मियों में ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए तो वो अब्सॉर्ब करता है, तो सर ब्लैक से कम हर मतलब सर बहुत ज्यादा डार्क कपड़े भी तो सर डार्क कलर के कपड़े भी तो अब्सॉर्ब ही करेंगे. तो इसीलिए तो देखो आप हमेशा मंदिर वगैरह में जाते हो तो हमेशा लाइट कपड़े लोग पहन के जाते हैं, लाइट कपड़े ना हमेशा. हमारे जो भी पुरानी बुक्स है ना उसमें क्या बोलते हैं, हमेशा ब्लैक कलर हमेशा बैड चीज को बताता है ना. यस सर, पहले क्या होता था कि लोगों को साइंस समझ में नहीं आता था, लेकिन जिन लोगों को साइंस समझ में आ गया वो लोगों को समझाते थे तो लोग समझते नहीं थे तो उसको बोलते थे भगवान को पसंद नहीं है ब्लैक कलर, है ना. आ गई बात सुनने. यस सर, यस सर. सर कुर्ता पजामा बनाए व्हाइट कलर के. हाँ मतलब व्हाइट हमेशा लाइट कलर के पहनते है ना. अब देखो इसने क्या किया, किसी भी तरीके का सर अगर ब्लैक सरफेस होगा तो वो यही करेगा एब्जॉर्ब. बिल्कुल ठीक है. अब इधर देखो, अब देखो ये क्या कर रहा है, ये सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं किया तो सभी कलर. हाँ इसने क्या किया, सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है. अब सभी को एब्जॉर्ब कर लिया तो जो भी लाइट एनर्जी आई उसने सबको अपने पास रख लिया तो वो क्या होती है, वो क्या होती है, सबको एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर कोई रिफ्लेक्शन देना ही नहीं चाहिए. हाँ, रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, ब्लैक से रिफ्लेक्शन नहीं होता तो वो चीज गर्म होती है क्योंकि उसने सभी एनर्जी पास रखी है ना. और व्हाइट में क्या हुआ, उसने सभी को ठंडा रहेगा वो, रिफ्लेक्ट कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो गया तो उसके अपने पास कुछ कम एनर्जी बची तो इसलिए उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता बहुत है. कम होता है. सर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो सर व्हाइट पहनने सबसे सही रहेगा ना. सर आपने ये क्या बनाया जो सेकंड एरो ऊपर रखा, पता नहीं क्या कहाँ पे क्या बनाना, ठीक है. अब इधर देखो बेटा कि यहाँ पे आप देखो आपके घर की छत पर आप देखोगे कि यदि गर्मियों में लोग व्हाइट पेंट कर देते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि छत वाली सरफेस गर्म कम होगी क्योंकि वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी. क्लियर है. कभी आपने देखा होगा, कभी अभी देखा रेड कलर किसी के घर में पूरा रेड हो, नो सर, लाइट ही करवाते हैं ज्यादातर. हमेशा क्या करते हैं, लाइट कलर करवाते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो कलर क्या करते हैं, लाइट में देखो अब किसी को डिफरेंट करना है तो व्हाइट में हल्का सा थोड़ा बहुत एक दो चम्मच दूसरा कलर डाल देते हैं, है ना. कभी ऐसा किया पूरा येलो पुतवा दिया, पूरा रेड, पूरा ब्लू नहीं कर सकते. कई बार हम एक आध बॉल मतलब सर ब्लैक कलर जो होता है वो ज्यादा गर्म होता है. बिल्कुल लाइट करवाते हैं मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करता है बेटा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है. मतलब सर उसकी एग्जिस्टेंस में तो गर्म नहीं होता ना सर, वो तो हो जाता है. देखो हाँ एब्जॉर्ब हाँ हो जाता है, ठीक है. जैसे आप देखो मान लो आपके पास एक सेम एक ब्लैक टी शर्ट है और एक व्हाइट टी शर्ट है
दोनों को यदि आप धूप में सुखाया तो पहले कौन सी सूखेगी? ब्लैक वाली। ब्लैक वाली हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। आ गई बात समझ में? यस सर। अब आपके पास एक आइडिया। हाँ बोलो सर। जैसे ये सर ब्लैक अब्सॉर्ब करता है और सारे कलर्स को, तो सर जैसे एकदम रूम में कोई लाइट नहीं है, एकदम सारी लाइट सॉफ्ट है, तो सर अपन को फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखता है? नहीं दिखता। अगर कहीं से भी लाइट आने से दोगे तो कैसे दिखेगा? ठीक है, कोई लाइट आएगी हल्की फुल्की, एलईडी बल्ब होता है हमारे या इंडिकेटर होते हैं या कहीं से तो लाइट आएगी। अगर कहीं से लाइट नहीं आएगी तो आपको क्या दिखाई देगा? ब्लैक ही दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा क्या बोलो सर? ब्लैक गर्मियों के लिए तो सर बुरा है, तो सर्दियों के लिए तो बेस्ट रहेगा ना बेटा? सर्दियों में देखो हमेशा, हाँ ये बात आप बोल सकते हो कि सर्दियों में अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन जब हम कपड़े गर्म कपड़े पहनते हैं ना, सॉरी ब्लैक कपड़े पहनते हैं, तो वो क्या करता है गर्मियों में तो हमारे क्या बाहर की हीट से हमें गर्म करता है, और सर्दियों में क्या करता है हमारी अंदर की हीट को बाहर जल्दी फेंकता है, क्योंकि जो ब्लैक होता है वो अच्छा वो भी होता है, इमिटर भी होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है हमारी अंदर की हीट को बहुत ज्यादा क्या कर देता है बाहर निकाल देता है, तो हमें भूख ज्यादा लगेगी, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, इसलिए ब्लैक कपड़े हमेशा क्या करते हैं अवॉइड करते हैं। ठीक है, अवॉइड करो। ओके सर, आपने ये बोला था कि जिस चीज से भी कुछ रिफ्लेक्ट वो दिखता है। बिल्कुल, तो सर अब ब्लैक तो कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, जब हमको दिखते से ज्यादा ब्लैक चीज नहीं दिख रही है वही ब्लैक है। आई बात समझ में? जो नहीं दिख रहा है ब्लैक कलर के क्लोथ पहनते हैं उनमें क्या फिर तो नहीं दिख रहे उस जगह की, इसलिए आपको वो शेप ब्लैक दिखता है। ठीक है, यस सर, कुछ ना कुछ तो दिखेगा। हाँ, जो नहीं जैसे सर दीवार पे पेंट रहता है सर, लाइट वगैरह बंद कर दो तो ब्लैक दिखेगी। कभी है ना बिल्कुल अलग रूम में जाओ जहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं हो, आपको वॉल कैसे दिखेगी? सब ब्लैक ही दिखेगी ना, ब्लैक। जहाँ से कोई लाइट रे नहीं आ रही, या फिर आप कभी भी ऊपर आसमान में देखोगे, कई बार आपको देखो स्टार्स के बीच में क्या दिखता है? ब्लैक कलर दिखता है, ब्लैक कलर। yes. वहां से कोई लाइट आपके पास नहीं आ रही है, इसलिए वो दिखता है आपको ब्लैक। ठीक है, तो जो ब्लाइंड्स है सर उनको भी ब्लैक दिखता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब इधर बताओ मुझे एक बढ़िया सा क्वेश्चन सर, मिरर क्या है? सर मिरर कितनी लाइट रिफ्लेक्ट करता है? मिरर कोई भी चीज 100% रिफ्लेक्शन नहीं करती है। ठीक है, अच्छा ये क्या है? एक लीफ। सर प्लांट, फ्लावर, प्लांट। उसको आप तोड़ के लेके आ गए, उसको क्या करके लेके आ गए आप? तोड़ को लेके, तोड़ लिया। कुछ लोगों तुम लोग तोड़ लिया है ना, कहाँ चले गए हो आप? डार्क में। डार्क रूम में चले गए। डार्क में, डार्क रूम में चले गए, तो उस लीव पे आपने रेड लेजर लाइट डाली। कैसी लाइट डाली आपने? रेड लेजर। रेड, तो आपको कौन सा कलर की वो लीव्स दिखाई देगी? सर सर वो दिखेगी, सर वही ब्लैक ही दिखेगी। सोचो, मिक्स कलर ब्लैक ही दिखेगी। सर ब्लैक ही दिखेगी क्योंकि ब्लैक एब्जॉर्ब कर लेता है। इधर ये आपको दिखेगी ब्लैक। ब्लैक क्यों दिखाई देगी ब्लैक? क्योंकि देखो इस पर यदि व्हाइट लाइट आती है, कौन सी लाइट आती है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट आता है ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। किसको रिफ्लेक्ट करता है? ग्रीन। ग्रीन ग्रीन किसको किसको एब्जॉर्ब करता है? ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे छह कलर। अब आपने उसको दिया कौन सा लाइट? रेड। व्हाइट रेड एब्जॉर्ब नहीं करता। और रेड को क्या करता है वो? रेड को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रेड को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसने कोई लाइट दिया क्या आपको? नहीं दिया। और नहीं दिया तो वो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। सेम क्वेश्चन आया था बायो की डीपीपी में सर, क्वेश्चन था कि जो प्लांट्स है वो ग्रीन क्यों दिखते हैं, तो सर आंसर था कि वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और उसके अंदर कोई एक जो भी एक केमिकल होता है ना? यस सर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सभी लाइट रे को एब्जॉर्ब करता है, केवल ग्रीन लाइट को छोड़ के। आ गई बात समझ? ठीक है, आ गई बात समझ? व्हाइट दिखते हैं पेजेस, उनका क्या होता है? सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया उसने। ओके सर, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो सर हमारी कॉपी के पेज होते हैं उनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है? हाँ बिल्कुल,
कि वो सभी कलर को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। देखो मिरर बनाते हैं हम सिल्वर का, सिल्वर क्या करता है, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। yes. तो इसलिए हम उसका मिरर की मिरर पर पॉलिश किससे करते हैं, सिल्वर की करते हैं। हाँ बोलो सर, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर रेड लाइट छोड़ते हैं तो फिर सर कौन सी आएगी बेटा, उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, डिपेंड करता है। अब देखो इधर सुनो, चलो आज की क्लास पहले खत्म करते हैं। सर अगर ग्रीन हुआ सर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी